तो दोस्तों ये रही कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक, इसका नाम है XZT क्लासिक, जो कि बहुत ही क्लासिक लुक के साथ में आती है। ये आप देखोगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, इसके सारे फीचर्स, प्राइस, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, बैटरी के बारे में, रेंज। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। इस बाइक की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 1,21,000। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। फ्रंट लुक आपको इस बाइक का कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेडलाइट की बात करें तो आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर आपको LED मिलने वाले, जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं। और अभी हम इसकी हेडलाइट ऑन करके देख लेते हैं, कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको इसमें रिमोट की भी मिलती है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको यहाँ लाइट ऑन करने का स्विच मिल जाएगा। और अभी हम फ्रंट में चल के देख लेते हैं। ये देखो लाइट ऑन हो चुकी है। हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको एक बार और प्रेस करना पड़ेगा, तब आपकी हेडलाइट ऑन होगी। ये रही हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। हाई बीम भी हम कर लेते हैं, ये रहा हाई बीम पे ऐसे कुछ दिखेगा। इंडिकेटर अभी हम देख लेते हैं। ये रहा इंडिकेटर, ऐसे कुछ दिखने वाला, जो कि LED है। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। और अभी हम चलते हैं रियर वाले सेक्शन पे। रियर में आपको बल्ब मिल जाता है, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में। सबसे पहले हम बाइक को ऑफ कर देते हैं और आ जाते हैं हम बाइक के फ्रंट में। ये रहा इसका फ्रंट लुक। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिलने वाला है टेलीस्कोपिक, जो कि आप देख ही रहे हो। और रियर का मैं दिखा देता हूँ। रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। मडगार्ड की बात करें तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, फाइबर वर्क के साथ में पूरा ग्लोसी फिनिश में आता है। और अभी हम इधर आते हैं और अभी हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 2.75 का। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर टायर साइज मिल जाएगा। रियर में आपको मिलने वाला है 3.00 का। ब्रांड की बात करें तो आपको रालको ब्रांड का टायर मिलने वाला, जो कि एक अच्छा ब्रांड होता है। व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच के एलॉय व्हील मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही आई कैची लग रहा है। आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील मिल जाएंगे। अभी हम इसकी ब्रेक की बात कर लेते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो CVS जैसे काम करने वाला है, उसका नाम है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसा कुछ है, लेकिन काम करता है एकदम CVS जैसा ही। और आपको कोमाकी का ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा, जो कि सिल्वर कलर का है। और अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ये रहा इस बाइक का लेग गार्ड, जो कि आपको मेटल वर्क के साथ में आने वाला है। और आपको हॉर्न यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एकदम बाइक के इंजन जैसा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे आपका कंट्रोलर ये सब लगने वाला है। और टैंक की बात करें तो ये आपको मेटल वर्क के साथ में आता है, बाकी ये वाला एरिया सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलेगा। ये आप देख सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा कुछ मेटल का दिया गया। कोमाकी इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे आपको क्लासिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऐसा सिंपल सा गोल्डन कलर का स्टिकर वर्क किया गया, जो कि देखने में थोड़ा प्रीमियम फील दे रहा है। और इसमें आपको सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड भी मिल जाएगा। साथ में ये रहा राइडर फुटरेस्ट। और इधर आपको सारी गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ। इधर आपको लेडीज फुटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिखने वाली है इधर से बाइक। और आपकी मोटर की बात करें तो आपको यहाँ पे मोटर मिल जाएगी, जो कि 250 वॉट की मोटर रहने वाली है। और इसकी वारंटी आपको 1 ईयर की मिल जाएगी। इसमें आपको हब मोटर मिलती है। इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, यहाँ से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। एक आपको ग्रेवरियल टाइप का ऐसा मिल जाएगा क्लासिक लुक में, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। अभी हम इस बाइक को थोड़ा दूर से देख लेते हैं। यहाँ से देखने में आपको अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देख के मुझे यामाहा की RX 100 याद आ गई, एकदम वैसे दिखती है देखने में। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर साइड में। रियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका टेल वाला एरिया मिल जाएगा, टेल लैंप, जो कि आपको बल्ब मिल जाएगा, नंबर प्लेट, ये रहे आपके इंडिकेटर, और ये रहा रियर का मडगार्ड। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के राइट साइड में। इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, ये रहा रियर का। इधर भी आपको एक लेडीज फुटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसे रहेगा, बाकी इधर आपको क्लासिक की ब्रांडिंग। और इधर से इसका कुछ इंजन वाला एरिया ऐसे कुछ दिखने वाला है। इसमें इंजन तो है नहीं, लेकिन वैसे बनाया गया है। राइडर फुटरेस्ट ये रहा, और ये रहा लेग गार्ड, बाकी ये रहा टैंक का डिजाइन। आपको ये मेटल वर्क के साथ में मिलेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोमाकी इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है इधर से। अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं। ये दूर से कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का व्यू, बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोगों को दूर से देख के क्लियर समझ में आ गया होगा ये बाइक दिखती कैसी है। मुझे इस बाइक का लुक बहुत अच्छा लगा, एकदम यामाहा के RX 100 जैसा। अभी हम इस बाइक की सीट की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको बहुत ही लॉन्ग सीट मिलने वाली है। इसमें आपको राइडर एंड पिलियन राइडर कंफर्ट अच्छा मिलने वाला है, एंड एज अ ग्रैब रेल आप इसे यूज कर सकते हो। और अभी हम इसके टैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा इस बाइक का टैंक। इसका डिजाइन काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ डमी फ्यूल टैंक है, एकदम पेट्रोल बाइक जैसा बनाया गया है। और इसकी बैटरी लगने वाली है यहाँ पे। मैं ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले नंबर तो ये आपको ऐसे की लगाना पड़ेगा, इसे आपको करना पड़ेगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ये रही बैटरी, आप इसे निकाल के घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हो।
और यहाँ पे लगा के भी चार्ज कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी 72 वोल्ट एंड 35 एएच की, और इसकी वारंटी आपको मिलने वाली है 1 ईयर की, और चार्जिंग टाइम आपका लगने वाला है 3 से 4 घंटे, और बिजली कंज्यूम करेगी ये बैटरी फुल होने में 2 यूनिट, लमसम आपको 15 से 16 रुपये लगे जाएगा ये बैटरी फुल करने में। और बाकी टॉप स्पीड रेस क्या है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। रेंज आपको मिल जाएगी लमसम 100 to 90 के आसपास, वो मैं आगे आपको क्लियर करके बता देता हूँ। अभी हम इसके की बात कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसे 2 रिमोट की मिल जाएगी एंड 2 की आपको ऐसे मिल जाएंगी, आप की से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी ऑप्शन आप लॉक अनलॉक एंड यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी आपको इसमें एंटी थिफ्ट लॉक मिल जाता है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है। और अभी हम बाइक को अभी हम ऑन कर लेते हैं और इसके मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा और ये कितना किलोमीटर चली है ये, बाकी ये सब आपको बताने वाले हैं। बैटरी का यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। सो ये रहा आपका थ्रोटल, ये रहा आपका ब्रेक लीवर, और ये आपका हो जाता है मोड्स, आपको इसमें मिल जाते हैं 1, 2, 3। इसमें आपको वैसे स्पीड मिल जाएगी टॉप स्पीड, और ये आपका लाइट्स का हो गया, और ये आपका पार्किंग से हटाने का मतलब ड्राइव मोड का आपका हो गया, यहाँ से आप बाइक स्टार्ट करके चल सकते हो। और आपको ऐसे कुछ रेसिंग हैंडल बार मिल जाएंगे, और इधर की बात करें आपका अपर डिपर इंडिकेटर या आपका ऑन का हो जाएगा आपका ब्रेक लीवर। सो दोस्तों, आप लोगों ने ओवरऑल इस बाइक के बारे में जाना, एकदम क्लासिक लुक के साथ में आती है। मुझे इस बाइक का लुक बहुत अच्छा लगा, आप लोगों कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और इसमें आपको रेंज मिल जाएगी 100 की, और प्राइस की बात करें आपको प्राइस पड़ने वाली इसकी ऑन रोड 1,00,000। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिलने वाली है। और इसमें आपको चार्जिंग टाइम लगने वाला है 3 से 4 घंटे। बैटरी एंड मोटर की वारंटी आपको 1 ईयर की मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड कम रहने वाली RTO नॉर्म्स के हिसाब से, तो इसमें आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।